हम आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के अंदर दो प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व। किसी भी कक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय पर्व क्या है और धार्मिक पर्व क्या है। अभी कुछ भैया बहनों को पता नहीं रहता कि राष्ट्रीय पर्व किन्हें कहते हैं या धार्मिक पर्व किन्हें कहते हैं, कितना अंतर है इसमें। जो पर्व, जिन पर्वों को पूरा राष्ट्र बड़ी धूमधाम से मनाता है, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति बड़ी धूमधाम से मनाता है, प्रत्येक संस्था के अंतर्गत बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, उनको हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। हमारे देश अर्थात हमारे राष्ट्र के अंदर तीन प्रकार के राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, यानी कि हमारे देश के अंदर तीन राष्ट्रीय पर्व होते हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस। इस स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। दूसरा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस, जिसको हम दिनांक 26 जनवरी को मनाते हैं। तीसरा पर्व है गांधी जयंती, जिसको हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये तीनों पर्व हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। प्रत्येक धर्म के लोग मनाते हैं, पूरा राष्ट्र इनको मनाता है खुशी से। और जो पर्व धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं उनको हम धार्मिक पर्व कहते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस डे, ये सब धर्म के अनुसार मनाए जाते हैं, या लोहड़ी, इनको धर्म के अनुसार इन पर्वों को मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता दिवस, जिसको हम 15 अगस्त को मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस का अर्थ यह है स्वयं अपना तंत्र माने शासन, यानी जिस शासन को हम स्वतंत्र होकर के जिन नियमों को जो भारत के अंदर रह करके भारतीयों ने ही बनाए हैं और अपने ऊपर लागू किया है, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जो स्वतंत्रता से जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत। इसीलिए हमारा देश इस दिन स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, जिस पर्व को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस, गण मीन्स व्यक्ति, तंत्र मीन्स शासन, गणमान्य लोगों ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपनी कुछ व्यवस्थाएं बनाई, जिनको जिनके अनुसार देश को नियम अर्थात फॉलो करना पड़ता है, जिनके अनुसार देश की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं। और हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, अर्थात 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ, जिसके अनुसार हम अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा राष्ट्रीय पर्व जो है वो है 2 अक्टूबर, उसको गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ये महापुरुष जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, अनेक और महापुरुषों ने भी बलिदान दिए अर्थात सहयोग किया, इसको हम इन महापुरुष जो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको भी एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।